ये जो ब्यूटीफुल डेकोरेशन आप देख रहे हैं ये टर्टल वाइन प्लांट की है। टर्टल वाइन प्लांट से हम अपने गार्डन को कैसे डेकोरेट करें, अपने घर को सुंदर कैसे बनाएं, इसी के बारे में आज की वीडियो है। इसके लिए जो जो मटेरियल्स की जरूरत पड़ने वाली है, सर्कल की शेप में एक थर्मोकोल शीट का टुकड़ा, या फिर इसके लिए आप प्लास्टिक पाइप का एक सिरा भी काट सकते हैं, हैंगिंग के लिए जूट रोप, सोयल को कवर करने के लिए पुराने जूट की बनी हुई बोरी का टुकड़ा या फिर बैग का टुकड़ा, सीजर कटिंग पर्पस के लिए और गार्डन सोयल का हम यूज़ करने वाले हैं। इस डिज़ाइन में दोस्तों हम ये जो हमारे पास थर्मोकोल शीट का सर्कल की शेप का टुकड़ा है, इसके चारों ओर हम गार्डन सोयल को इस जूट के बने हुए कपड़े की हेल्प से हम बांधने वाले हैं। गार्डन सोयल को दोस्तों आप इस जूट क्लॉथ के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सर्कुलर थर्मोकोल टुकड़े को आप इस तरीके से रखने के बाद दोनों ओर से आपने इस जूट क्लॉथ को फोल्ड करके उन्हें सील देना, या फिर आप धागे की हेल्प से भी उनको चारों ओर से इस तरीके से जकड़ सकते हैं। जूट क्लॉथ के दोनों ओर के सिरों को आप इस प्रकार फैला के ऊपर से आपने अच्छे तरीके से धागे से लपेट देना ताकि अंदर की सोयल बाहर न निकले। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास ये बेसिक डिज़ाइन बनके तैयार है। इसमें हमने जूट क्लॉथ के अंदर सोल को चारों ओर से इक्वली हमने बांध दिया है। टर्टल वाइन प्लांट को डेकोरेट करने के लिए आप इस डिज़ाइन में फ्रेश और हेल्दी ब्रांचेस को ही सिलेक्ट करें। एक कॉटन थ्रेड की हेल्प से आपने इन टर्टल वाइन प्लांट की फ्रेश ब्रांचेज को हमारे बने हुए बेसिक सर्कुलर डिज़ाइन के चारों ओर आपने अपने हल्के हाथों से इस तरीके से आपने लपेट देना है। टर्टल वाइन प्लांट के लीव्स और जो ब्रांचेस को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि इनकी ब्रांचेस काफ़ी नाजुक होती है, इसलिए आप हल्के हाथों से इनको थोड़ा लूज ही आपने बांधना है। एक तरीके से हम इन ब्रांचेस को एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे हैं ताकि सर्कल की फॉर्म में इस हमारे बेसिक थर्मोकोल डिज़ाइन के चारों ओर अपने आप को सेट कर लें। टर्टल वाइन प्लांट्स के प्रोपेगेशन और इनकी केयर टिप्स के रिगार्डिंग मैंने वीडियोज अपलोड कर रखी हैं, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दोस्तों हमारा ये टर्टल वाइन प्लांट से बना हुआ ब्यूटीफुल डेकोरेटिव डिज़ाइन बनके बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं एक जूट रोप की हेल्प से आप उसे इस तरीके से लटका भी सकते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। यह डिज़ाइन हमारे गार्डन की ब्यूटी को और डेकोरेशन को कई गुना बढ़ा देता है। अभी ये कम्प्लीट होना बाकी है, इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी डेकोरेशन अभी और हमें करनी है। तो दोस्तों ये डिज़ाइन लगभग जीरो बजट में तैयार हुआ है। घर पर ही जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल रहते हैं उन्हीं से मैंने आपके सामने ही ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाया है। दोस्तों हम जानते हैं टर्टल वाइन प्लांट ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट के अंदर काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं, तो आप इस तरीके के ही इन्वायरमेंट में इन प्लांट्स को इस डिज़ाइन को हैंग आउट करें। बात करें वाटरिंग की या फिर मॉइस्चर की, तो इन प्लांट्स को आपने दिन में कई बार पानी का लगातार शावर देते रहना है। इन पर जो पानी बिल्कुल भी इवेपोरेट ना हो, इन्हें लगातार मॉइस्ट हमें रखना है, क्योंकि दोस्तों अभी इनकी जो रूट्स हैं वो अंदर जो हमने सोयल लपेटी है वहाँ तक पहुँची नहीं है, तो सोयल से अभी इन टर्टल वाइन प्लांट्स को नरिशमेंट अभी मिलना स्टार्ट हुआ नहीं है। तब तक दोस्तों हमने कई दिन इन्हें पानी का लगातार जो स्प्रे है शावर करते रहना है, ताकि इनके आसपास लगातार मॉइस्चर मेंटेन रहे और दिखने में बिल्कुल फ्रेश, हेल्दी और ब्यूटीफुल लगें। दोस्तों इस प्रकार आप जो प्लांट्स की बेसिक जो के टिप्स के रिगार्डिंग वीडियोस के लिए, या फिर ऐसे ब्यूटीफुल डेकोरेटिव डिज़ाइंस के लिए मेरे इस चैनल को लगातार विजिट करते रहें।